नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। दिल्ली, पंजाब और हिमाचल सहित देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं। पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में लगभग 56 मौतें भी हुई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर भारत में कुदरत कायनात को अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मनाली में बारिश ने 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है तो दिल्ली में 33 सालों का। सड़कों ने नदियों का रूप ले रखा है तो नदियों ने तूफानी समंदर का। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है तो वहीं हिमाचल में व्यास और पार्वती जैसी नदियां उफान पर हैं। कारे कागज की नाव की तरह तैर रही हैं तो पुल नदियों का निवाला बन रहे हैं। हिमाचल में हालात भयावह हैं। बाढ़ के साथ साथ भूस्खलन से चारों तरफ तबाही मची हुई है। नदियां इमारतों को अपने आगोश में ले रही है। राज्य में अलर्ट है। हिमाचल के सीएम ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। हिमाचल से बाढ़ की ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसके आगे चक्रवात से सागर में उठने वाली लहरें भी कमतर कही जाएंगी। दिल्ली में सड़कों पर सैलाब है, घरों में पानी घुस चुका है, स्कूल बंद किए जा चुके हैं। यमुना भयंकर रूप अख्तियार कर रही है। आने वाले दिनों में अगर बारिश न थमी तो जनजीवन जरूर थम जाएगा। पंजाब में भी हालात बदतर हैं। मोहाली में भारी बारिश के कारण पानी लोगों के घरों में घुस गया है। उत्तराखंड में भी बाढ़ की स्थिति है तो यूपी के कुछ हिस्से भी इस आपदा की चपेट में हैं। बीते 24 घंटे में बारिश और बाढ़ ने 56 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। यूपी में 34, हिमाचल में 7, उत्तराखंड में 6, जम्मू कश्मीर में 4, पंजाब में 3 तो दिल्ली और राजस्थान में एक एक मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल तो बाढ़ और बारिश का ये कहर अभी थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखना अहम होगा कि कुदरत कायनात को कब तक उसके गुनाहों का एहसास कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इनसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।